ये आ गया हमारा ब्रेकफास्ट, इडली चटनी सांभर चाय और एक टोस्ट। ये है सामने और इसी हाईवे से अभी हमें लखनऊ निकलना है आधे घंटे के अंदर अंदर। धूप निकल गया है, मौसम क्लियर हो गया है और अब मैं सोच रहा हूँ कि एक्सप्रेस वे ही ले लूँगा। सो हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों देखा आपने वेदर कैसा था, सुबह के बज रहे हैं इस वक्त 8:30 और मैं अभी तक औरंगाबाद में ही हूँ। तो आज हमें यहाँ से जाना है लखनऊ। तो पहले मैं सोच रहा था कि बनारस होके जाऊँगा लेकिन अब निकलूँगा सीधे एक्सप्रेस वे लेके। तो ब्रेकफास्ट देख लिया आपने, वेदर देख लिया आपने, कल रूम दिखाना भूल गया आपको। तो ये हमारा रूम है, जिस होटल में मैं रुका हूँ वो है वैष्णवी हाइट्स, जस्ट हाईवे के जस्ट किनारे है। तो मुझे इजी पड़ता है, सिटी में जाना नहीं पड़ता है और शानदार सुबह वेदर हो रखा था। और यहाँ अगर आप देखो तो बस यही वो हाईवे है जो मैंने आपको दिखाया था। और ये अपना रूम है और ये अपना वॉशरूम है, सामान पैक हो चुका है और ये अपना वॉशरूम सर। तो बढ़िया है, 1300 मेरे को पड़े थे, 1320 रुपये जो कि मैंने लगभग 10 दिन पहले बुक करा था, अदरवाइज 2000 रुपये तो कम से कम लग ही जाते हैं। तो अभी दोस्तों यहाँ से निकलने का प्लान है और फटाफट करते हैं अब सामान को बांधते हैं अपने बाइक में, क्योंकि 8:30 हो चुका है, 9 बजे तक हम निकल जाएंगे ताकि इवनिंग होते होते हम लखनऊ पहुँच जाएँ। तो बिना देर किए निकलते हैं। कितना टाइम हो रहा है पता है आपको? 9:30 होने वाले हैं, 9:20 हो रहे हैं और ऐसे प्लान तो था ही थोड़ा लेट निकलने का, बिकॉज कल काफ़ी ज़्यादा थकावट भी हो गया था। तो प्लान था कि लेट ही निकलना है, लेकिन इतना लेट निकलना ये प्लान नहीं था। बट नाउ एवरीथिंग इज़ फाइन। थोड़ा सामान बांधने में टाइम काफ़ी लग गया और लग ही जाता है यार। तो ओके, तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मोटो ब्लॉग में। लखनऊ निकलना है, जिसका डिस्टेंस है जो होटल अपने करा है लखनऊ में 486 किलोमीटर, भाई साहब यानी कि 500 किलोमीटर करना है। यानी कि बहुत जल्दी निकलना चाहिए था लेकिन काफ़ी लेट ही निकल रहा हूँ। 500 किलोमीटर कवर करना है एंड सुबह के 9 बजे निकल रहा हूँ, 9:30 बजे, 9 भी नहीं 9:30 बजे। तो मेरे ख्याल से आई थिंक लेट तो डेफिनेटली हूँ। बट इसी कारण से पहले मेरा प्लान था कि लखनऊ में जो है जाने के लिए मैं ले लूँगा बनारस वाला रूट, लेकिन अब जो मेरा प्लान है उसको मैंने थोड़ा चेंज कर दिया टाइम देखते हुए और अब मैं ले लूँगा एक्सप्रेसवे, यानी कि यमुना एक्सप्रेसवे, जो कि सीधे लखनऊ पहुँचा देगा मुझे, जो कि फ़िलहाल यहाँ से कुछ दूरी के डिस्टेंस पर है यमुना एक्सप्रेसवे। तो एक बार यमुना एक्सप्रेसवे में एनम कर जाएंगे, उसके बाद कोई पंगा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों आपको पूरा फुल सपोर्ट दिखाना है, मैं जल्दी कभी बोलता नहीं हूँ वीडियो को लाइक करने के लिए या फिर चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन ज़रूर बोलूँगा इस बार कि आप ज़रूर से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे भी सपोर्ट मिले। और आप सब सपोर्ट दिखाओगे तभी तो भाई आपका राइड मतलब आपका भाई जो है राइड कर भी पाएगा ना। आप सबके बिना सपोर्ट के तो पॉसिबल नहीं होता किसी भी यूट्यूबर के लिए भाई, और हम तो अभी छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। आगे स्कूल वैन में बच्चे और देख देख के फुल मज़े ले रहे हैं। जो भी बोलो लेकिन मोड्यूल का ऑयल डालने के बाद भाई बाइक में ना फ़र्क मुझे दिख रहा है, एक्चुअली फ़र्क दिख रहा है, खास करके इसके साउंड में। कल इतना राइड करने के बाद भी अभी आज ज़्यादा अच्छा पता चल जाएगा, बिकॉज आज मैं रहूँगा एक्सप्रेसवे पे, तो आज नॉनस्टॉप राइड ज़्यादा लंबा लंबा लगेगा तो आज समझ में आ जाएगा। टर्न राइट, ये कहाँ से लेके जाएगा भाई, गाँव वाँव से लेके मत जाना प्लीज़।
तो भाई गूगल भैया मेरे साथ दगाबाजी ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? पता नहीं कौन सा गांव में घुस गए हैं भाई। और देखते हैं कहाँ निकलते हैं, बस यही उम्मीद करते हैं कि रोड ब्लॉक ना हो, बिकॉज बहुत बार क्या होता है गूगल दिखाता कुछ और है। और एक तो ऐसे ही जब आप लेट निकलो ना तो सब तरफ से लेट ही होता है, वही वाला कहानी है। तो बस रोड ब्लॉक नहीं होना चाहिए, ऐसा ना हो चले जा रहे और वहाँ से रोड ही ब्लॉक हो जाए, फिर तो खेला ही होना है। हालांकि मैंने एक चचा से पूछ लिया तो उन्होंने बोला कि एकदम रोड पकड़ के चलिएगा तो निकल जाएगा हाईवे। तो देखते हैं यहाँ पे कब हम निकलते हैं हाईवे, लेट्स सी। एक तो जगह जगह ये जो स्पीड ब्रेकर बना है ना, हो चलो भाई कोई नहीं, आज इस रास्ते को एंजॉय करते हैं। परेशान होने से क्या ही होगा, एंजॉय करने से ही कुछ मज़ा है, तो एंजॉय करते हुए चलते हैं। मस्त सुनसान। अब ये रास्ता अगर रात को ले लेता तो हालांकि अगल बगल है घर है ऐसा नहीं है, लेकिन इस तरह का रास्ता है भाई रात को पूरा भूतिया फीलिंग आता है एकदम भाई। इनके बीच में पक्का भूत रहता होगा पक्का भाई ये रात वाले टाइम पे। आह क्या शानदार पानी बह रहा भाई, ओ भाई तगड़ा भाई, ये पक्का देख रहे हो, ये पक्का भूतिया है भाई। अगर यहाँ पे रात में मतलब अगर निकल जाओ ना, ये मैं बता रहा हूँ जो लोग भूत का स्टोरी सुनाते हैं ना गांव देहात में कि ऐसा वैसा था और ये वो, मतलब रात को चुड़ैल देख लिया किसी ने, भाई ये पक्का यही वाला सीन है। यहाँ डेफिनेटली लोग देखते होंगे, देख रहे हो, बाप रे बाप, इमेजिन करो ये रात के टाइम पे आ रहे हो उधर, कितना खतरनाक रहता है। ये राइट कहाँ दिखा रहा है 300 मीटर के बाद, यहाँ तो कोई राइट वाइट दिख ही नहीं रहा है मेरे को दूर दूर तक भाई, यहाँ तो बहुत स्पीड ब्रेकर है। एक तो पीछे वाला ब्रेक अभी भी वही हाल है, लगता ही नहीं है, मतलब इतना स्लो में भी देखो ना यार, इतना स्लो देखो ठीक है तो भी कितना टाइम लगा रहा है रुकने में, मतलब इतना में तो खड़ा कर देना चाहिए उसको। यार दिक्कत हो गया ब्रेक में यार, बैग भी ढीला रह गया यार, बैग भी सही से बांधा नहीं है मैंने, ऊपर से स्पीड ब्रेकर पे स्पीड ब्रेकर आया जा रहा है। लेकिन फिर भी देख लो यार, गाँव के नज़ारे बहुत कम देखने को मिलते हैं कि नहीं। यहाँ पे गाय बंधी हुई है, वहाँ पे एक अंकल अपनी गाय को नहला रहे थे मस्त पानी मारते हुए, बच्चे पेड़ों पे लटक के झूला झूल रहे हैं, यहाँ पे भैंसिया को नहलाया जा रहा है, यहाँ पे नाई जो है दाढ़ी मूछ सेट कर रहा है। वाह भाई क्या बात भाई, ये वाला ब्यूटी देखो क्या मस्त लग रहा है, इधर पूरा खेत ग्रीनरी ये, लेकिन यार शहर में नहीं मिलता भाई, ये देख रहे हो कितना शानदार लग रहा है। मैंने सोचा है कि मनाली जाऊंगा ना तो सैडल बैग को मैं डीसी के घर ही छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं ज़्यादा वेट लेके स्पीति जाना नहीं चाहता। स्पीति भाई होने वाला है बहुत टफ, और जिस टाइम मैं जा रहा हूँ उस टाइम तो और भी टफ होने वाला है, बिकॉज स्नोफॉल अभी आप टेम्परेचर देखना माइनस में है, यानी स्नोफॉल डेफिनेटली हो रहा होगा एंड बर्फ जम चुके होंगे बहुत जगहों पे, तो स्पीति टफ होने वाला है और देखना है कैसा होता है क्या होता है। तो मैं सोच रहा हूँ कम से कम वेट को कम करा जाए, वेट कम रखा जाएगा, और इसीलिए सैडल बैग को मैं नहीं ले जाऊंगा, बिकॉज सैडल बैग में थोड़ा भी अगर वेट जो है अगर आगे पीछे हो जाता है ना तो फिर प्रॉब्लम क्या है कि चलो भाई ये हमने ज्वाइन कर लिया, प्रॉब्लम क्या होता है कि फिर बाइक ना आगे पीछे टेढ़ा हो जाता है। तो भाई इधर हम डलवा लेते हैं फ्यूल, टंकी फुल करवा लेते हैं क्योंकि अभी काफ़ी लंबा जाना है, वैसे फुल करवा लेंगे तो एक्सप्रेस सब निकल जाएगा। तो भाई ये है सोन ब्रिज, पानी तो बिल्कुल नहीं है, पता नहीं पानी कभी था भी कि नहीं था यहाँ पे, लेकिन बालू दबा के निकल रहा है इधर से, भले ही पानी ना हो लेकिन अगर आप देखो तो बालू, बहुत बालू निकाला जा रहा है उधर पीछे, मैंने देखा पूरा बालू ट्रैक्टर भर भर के बालू निकाला जा रहा है, लग ही नहीं रहा है कि अभी मानसून खत्म हुआ है, पूरा पानी सूखा हुआ है। उधर थोड़ा बहुत पानी है बट इधर तो बिल्कुल पानी नहीं है। ये खटखट का आवाज जो है ना, ये पता नहीं फॉग लाइट से ही आ रहा है, कुछ अंदर का उसका कुछ तो ढीला है अंदर का उसका।
बहुत वाहियात रास्ता है, मतलब दिमाग खराब हो जा रहा है इस रास्ते पे। ना रास्ता सही है, मतलब क्या यार, उस समय थोड़ा ठीक ही था लेकिन अब तो मतलब और बेकार हो चुका है। एक हालांकि पिछली बार भी जब मैं डोमिनार से गया था ना अयोध्या, तो मैं पूर्वांचल होके ही गया था, लेकिन वो गांव-गांव से दूसरा रास्ता था जो कि हाईवे से ही कटता था अंदर। वो ठीक है, वो रास्ता पतला है लेकिन कम से कम ख़राब नहीं था। साला ये तो महावाहियात रास्ता है, मतलब जगह जगह टूटे हुए पैच पड़े हुए हैं ना, आप सुकून से गाड़ी चला पाओगे? और मतलब देख रहे हो जगह जगह खराब 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 पैच है, एकदम बेकार बेकार ना। 50 की स्पीड कंटिन्यू पकड़ सकते हो, थोड़ा दूर पकड़ोगे उसके बाद फिर रास्ता ख़राब, फिर पकड़ोगे फिर रास्ता ख़राब। ये सर दर्द है यार, ना भी लंबा है इस पर, मतलब अभी भी 25 किलोमीटर जो है ऐसे रास्ते पे जाना है। ये बेकार काम कर दिया मैंने, टाइम का बर्बादी है बस और कुछ नहीं है। पिछले 2.5 घंटे से मैं कहाँ कैसे राइड कर रहा हूँ, मतलब ये देख रहे हो, मतलब कौन सा रास्ता ये लेके आ गया। बल्कि सोचो मैंने 4-व्हीलर का मैप लगाया था भाई, 4-व्हीलर का, और ये अब रास्ता देखो। ये साला कहाँ लेके जाएगा मुझे समझ में नहीं आ रहा। साला इसके पहले भी मैं गया हूँ यार, लेकिन ऐसा रास्ता तो पहली बार ही मिला मेरे को। साला हालत ही खराब हो गया भाई, ये हाईवे निकल जाएगा। बाप रे बाप, साला पिछले मतलब शुरू का आधा घंटा छोड़ दो ना, तो तब से यही चल रहा है साला। 4-व्हीलर मैप लगाने के बाद ये हाल है। ये 4-व्हीलर इसमें कहाँ से आएगा भाई, कोई 4-व्हीलर नजर ही नहीं आ रहा है। कुछ गलत हो गया, कुछ गलत कट वट ले लिया होगा कहीं मैंने। और इसके बाद जो है ना, आज मतलब बाइक का तो मेरे रोनिन का तो नहीं पता, लेकिन साला मेरा सॉकर बैठ गया भाई साहब, कसम से बता रहा हूँ। इन रास्तों पे ना असल अपने को BMW मांगता है भाई, आज समझ में आया BMW की अहमियत। मतलब मैंने कभी चलाया तो नहीं है BMW, लेकिन जिस तरह का रिस्पांस देखने को मिलता है ना भाई, उसका सॉकर बहुत तगड़ा है, मतलब सस्पेंशन बहुत बढ़िया है उसका, और ऐसे रास्ते के लिए भाई वही चाहिए। अरे बाप रे बाप, देख रहो GoPro में तो उतना पता नहीं चलता होगा आपको, लेकिन मतलब जीप फाड़ दिया गया है, उसी तरह ही बोलूँगा आपको। नहीं और भी कोई बचा रास्ता तो भाई उस पर भी भेजी दो। जो साला वहाँ से ख़राब रास्ता, वहाँ थोड़ा ठीक भी था, मतलब थोड़ा रास्ता चौड़ा था, तो भी वहीं पे वही हाल था, बेकार एकदम, जान निकाल दिया है। 12:30 होने वाले हैं, 9:30 बजे राइड स्टार्ट करा था हमने, 3 घंटा ऑलमोस्ट होने वाले हैं। 3 घंटे में कितना कवर हुआ है, 120 किलोमीटर के आसपास। अब यहाँ पे क्या क्या गाड़ी चलाओगे यहाँ बताओ, यहाँ पे आप 50 भी नहीं चला सकते ठीक से। ओ बाबा, ये 11 किलोमीटर, उसके बाद NH 922, अभी भी हाँ मतलब 30-40 किलोमीटर और राइड करना है, लेकिन ऐसा रास्ता पे करना रहे तो 30-40 किलोमीटर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उधर तो बेटा जीप फट गया एकदम, हालत ख़राब हो गया। तो यहाँ पे 2 भाई लोग मिल गए जो कि है होंगे हमारे नए सब्सक्राइबर, सो थैंक यू ब्रो सब्सक्राइब करने के लिए। तो फाइनली पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हम पहुंच गए हैं, अब बारी है टोल कटवाने की भाई।
है भाई पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में और अभी इन करके 35 किलोमीटर 30 किलोमीटर लगभग हमने अभी कवर किया है। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अगर मेरे को लेट नहीं हो रहा होता तो मैं ऑब्वियसली वाराणसी वाला रूट ले लेता, थोड़ा ट्रैफिक मिलता, लेकिन ऑलमोस्ट वही टाइम पे पहुंच जाते शायद। लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में सबसे एक तो अगर आप अकेले हो भाई बहुत बोरिंग फील होता है। और बता दूँ आपको जो बाइकर्स देख रहे हैं इस वीडियो को या जिनको लगता है कि एक्सप्रेसवे पे बाइक का टोल, तो हाँ भाई पूर्वांचल पे और लखनऊ आगरा पे, इन दोनों जगहों पे आपको बाइक का टोल देना पड़ेगा 1 किलोमीटर का। तो मुझे लखनऊ जाना है 345 मैंने अभी टोल दिया है और बहुत बार आ चुका हूँ इससे। तो एक तो सबसे बड़ा बोरियत यहाँ लगता है कि कुछ खाने को मिलेगा नहीं, कोई दिखेगा नहीं आपको, और काफ़ी कम ट्रैफिक है पूर्वांचल में, बहुत ही मतलब आप देख रहे होंगे कोई बस आ रहा जा रहा है, तो ट्रैफिक काफ़ी कम है। तो अगर बारिश हो रहा है तो फिर आपको भीगते हुए जाना है अगर आपके पास रेनकोट नहीं है, तो धूप है तो आपको धूप खाते हुए जाना है, आपको छाँ नहीं मिलेगा कहीं पर भी, एक बीच में एक या दो आई थिंक फूड कोर्ट मिलता है। तो देखते हैं, अब रुकने का मन करेगा तो जाहिर सी बात रुक ही जाएंगे वहाँ पे। अब निकलते हैं, 10 मिनट का ब्रेक हो गया, जब से हमने आज का राइड शुरू करा था ब्रेक नहीं लिया था तो ये एक ब्रेक हो गया हमारा, इसलिए थोड़ा मैं आराम से बैठ गया हूँ यहाँ पे क्योंकि नींद भी आ रहा था और थोड़ा बैठना भी ज़रूरी था और थोड़ा रेस्ट करना भी ज़रूरी था। ब्रेक भाई ख़त्म करते हैं, काफ़ी लंबा है, मतलब लंबा ठीक ठाक ब्रेक ले लिया, पैर वैर सीधा हो गया, रिलैक्स कर लिया और 304 किलोमीटर कवर करने 3.5 घंटा दिखा रहा है, बट 90 की स्पीड से तो रन एंड कंटिन्यू क्रूज़ होगा नहीं। इसको क्रूज़ करने के लिए भाई इसका बेस्ट स्पीड है 80-85, मतलब बेस्ट स्पीड है 80-85। देखते हैं कितना जा पाता है, लास्ट टाइम 121 गया था, इस बार थोड़ा सामान ज़्यादा है। वही जाएगा 121 से 25 अगर कोई नहीं है, मतलब अगर लोड इतना ज़्यादा मैंने लगाया हुआ है ना पीछे सैडल बैग एंड टेल बैग, अगर वो नहीं, क्योंकि वो भी एयर काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक ये कर रहा होगा, एयर कट नहीं पा रहा होगा ना बैग के चक्कर में भी, नहीं तो 130 तक जाएगा, 130 तक जाएगा। लेकिन यार ये देखो, ये बाइक, ये एक्चुअली वो बाइक नहीं है कि इसको आप 120-130 भगाओ, ये 80-90 चलने वाला बाइक है। और मेरे हिसाब से अगर आप किसी भी बाइक को 120-130 पे क्रूज़ करोगे ना तो फिर पेट्रोल भी आपका लगेगा भाई दबा के, अगर वो माइलेज 30 का दे रहा होगा ना तो वो फिर 22 का और 21 पे आ जाएगा अगर उसको आप कंटिन्यू 120-130 भगाए जा रहे हो खाली रास्तों में। तो इसलिए कोई भी बाइक हो बेटर क्रूज़ करने का भाई 80-100 ये बेटर होता है, सेफ भी है एंड बेस्ट भी है, आपको माइलेज भी ठीक निकल के आ जाएगा और सेफ्टी भी रहेगा। भाई बहुत गंदा वाला नींद आ रहा, सच्ची बता रहा हूँ, बहुत गंदा वाला आ रहा है, मन कर रहा है कि इतनी बाइक साइड में लगा के साला यहीं सो जाऊँ, इतना बोरियत लग रहा है ना, गलती करा मैंने वहाँ, मेरे को चाय पी लेने का था, यहाँ मंदिर नहीं था भाई, देखो एक्सीडेंट के चक्कर में मंदिर बना है यहाँ पे, मतलब इधर पूरा कहीं मंदिर नहीं था, बट नाउ एक सुंदर सा जो मंदिर है ना ये बन गया है। एक्सप्रेसवे पे रोड के बीच में जो है फोटोग्राफी करवा रहे हैं, वाह भाई थोड़ा पैरों को आराम मिल जाए भाई, ऐसे जगहों पे लगता है क्रूज कंट्रोल जरूरी है। हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा कल हो ना हो। तो यार
यार विंड ब्लास्ट भी इतना है ना यार कि इसमें सैडलिंग करने के लिए भाई चाहिए अपने को हैंडल बार रेजर। बिना हैंडल बार रेजर का सैडलिंग का तो आप सोच ही नहीं सकते हो। हाइट कम हो तो कर सकते हो, हाइट अगर थोड़ी ज़्यादा हो आपकी तो फिर तो बिल्कुल नहीं कर सकते। बट हाँ थोड़ा पैर वैर सीधा करने के लिए 2 मिनट के लिए खड़े हो सकते हो, बट उससे बेटर यार है गाड़ी रोक के ही खड़े हो जाओ ना। नहीं मतलब कितने देर सैडलिंग कर लोगे आप? क्योंकि जैसे ही आप थोड़ा पिकअप बढ़ाओगे आपको बाइक पीछे की तरफ धक्का मारता है, ऐसा ना हो कि आगे का चक्का ही उठ जाए साला। उठेगा तो नहीं वैसे, लेकिन क्या कोई फ़ायदा नहीं है उससे, अच्छा गाड़ी साइड में लगाओ रोक लो यार। इसमें सैडलिंग पॉसिबल नहीं है, कम से कम इतना उठवाना पड़ेगा। अगर आपकी हाइट 5'8" है तो इतना कम से कम आपको हैंडल उठवाना पड़ेगा उसका, इतना तब सैडलिंग कर पाओगे। अगर हाइट आपकी 5'6" या 5'5" है तब तो कर लोगे, मतलब 3 इंच कम से कम चाहिए ऊपर। भाई लग तो रहा है कुछ खाने को दिखा, देखता हूँ यार। कुछ खाना तो मेरे को नहीं है, बस चाय मिल जाए भाई, बस चाय चाहिए। चाय 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 मिल जाएगा, चाय मिल जाएगा भाई। तो भाई ये आ गया अपना चाय, नीम खुलेगा इससे। और ये आ गया अपना पेटीज, और ये एक लाहौरी चिरा। तो अब लगभग अंधेरा हो ही चुका है, शाम के 5:30 बज रहे हैं, अंधेरा होने वाला है। मतलब गोप्रो में थोड़ा आपको ज़्यादा उजाला दिख सकता है, बट ऐसे एक्चुअली अंधेरा हो गया है। अगर मैं अपना फॉग लाइट बंद कर दूं तो ये देखो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है। क्योंकि यहाँ पे स्ट्रीट लाइट है नहीं, कहीं कहीं लगा हुआ है जहाँ सर्विस एरिया है बस। अगर मैं ऑन कर दूं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन ऑन करने पे इतना ज्यादा आ रहा है ना कीड़ा, मेरा पूरा वाइजर पे कीड़ा जम चुका है और मैं रुक नहीं रहा कि उसको साफ करूं। पूरे कीड़े चिपके हुए हैं, शायद मुझे कहीं साइड में रुक के साफ करना भी पड़ जाए। तो ये लोग भाई लोग पहुंच गए हैं हम अपने होटल, और देखते हैं भाई क्या यहाँ का सर्विस है, क्या सेवा है। इसको मैंने इसलिए बुक करा ना क्योंकि ये ऑन रोड है, मुझे अंदर जाने का ज़रूरत तो नहीं लग रहा था इस होटल को देखते हुए, मतलब इस बैंकेट हॉल को देखते हुए, बैंकेट लॉन होटल जो भी। तो इससे क्या होगा कि मॉर्निंग में मैं जो है ना सुबह सुबह निकल लूँगा आराम से, तो ये है दोस्तों अपना रूम। ये छोटा सा रूम आपको जो दिख रहा है ये अपना रूम है, और इसके भी मुझे 1300 ही लगे, ठीक है, मतलब ठीक है, ओवरऑल ठीक ही है। और वॉशरूम यहाँ पे एक्चुअली छोटे छोटे कीड़े ना बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े हैं जो कि मैं जब आया तो एकदम परेशान कर रहे थे, देन फिर लाइट वाइट ऑफ रखा तब जाके वो ठीक हुए। तो ये वाला वीडियो मैं सुबह रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि आते ही भाई मैंने खाना ऑर्डर करा। और हाँ इस होटल का खुद का रेस्टोरेंट नहीं है तो खाना इन लोगों ने ढाबा से मंगवाया था, हालाँकि खाना ठीक था और तो चाय भाई मिल नहीं पाया था, तो इसलिए रात को मैंने ब्लॉगिंग कुछ कराई नहीं। मैं आते ही लग गया वीडियो पे, कल जो वीडियो अपना ख़राब हुआ था उसको मैं देख रहा था भाई क्या प्रॉब्लम हुआ, तो एडिटिंग वगैरह मैंने सब सही करा था। एक्सपोर्ट के टाइम पता नहीं कैसे वीडियो में ऑडियो ग्लिच आ गया, और फिर एक्सपोर्ट करने के बाद मैंने वीडियो को सुना नहीं, वो मैंने सीधे अपलोड कर दिया। तो
क्या बोले भाई। तो आज का वीडियो जो है मुझे सही से ध्यान से करना होगा, वो मैं क्रॉस चेक कर लूँगा। तो यही था आज का वीडियो, उम्मीद आप सबको मज़ा आया होगा। कल भाई, कल भी हमारे लगभग एक और एक्सप्रेस लेना है हमें आगरा लखनऊ, तो कल निकलेंगे। कोशिश करेंगे कि सुबह जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकलने का प्रयास करें। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। आपको पूरा फुल सपोर्ट दिखाना है हमारे इस वाले सीरीज़ में, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, है ना। तो चलो, बाय बाय, टेक केयर।